हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मई का महीना आ गया है, इसका मतलब गर्मियां पीक पर आने वाली हैं। और जैसे ही गर्मियों का मौसम और तेज़ होगा तो हमारी जो काउज हैं उनके लिए हीट स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो इस गर्मी के मौसम में काउज को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए ओवरऑल हमें फार्म पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आज इसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए ये 3-4 चैलेंजेस होते हैं इन महीनों में। सबसे पहले गाय की हेल्थ, क्योंकि गाय सुस्त हो जाती है, फीड कम खाती है, उसके ऊपर दूध प्रोडक्शन का भी एक स्ट्रेस है और हीट का अलग से स्ट्रेस है, तो उसकी हेल्थ का इशू होता है। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, दूध की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और ओवरऑल हमारा जो फार्म है उसका भी परफॉर्मेंस या फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी वो नीचे आ जाता है। तो जो डेयरी फार्मर है उसको ये गर्मियों के मौसम बहुत ही ध्यान से देखने होते हैं, ताकि उसके एनिमल्स का भी नुकसान ना हो, फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। हमें 5 बेसिक्स पे काम करना होगा ये हीट स्ट्रेस से बचने के लिए या इसका असर कम से कम करने के लिए। हमें 5 बेसिक्स पे काम करना होगा, जिसपे सबसे पहले है सूटेबल हाउसिंग। काउस का जो शेड है, जिसको बान या शेड बोला जाता है, वो आपकी जो लोकेशन है वहाँ पर जैसा मौसम रहता है उसके हिसाब से वो अनुकूल होना चाहिए। अगर वहाँ बहुत महीनों के लिए गर्मी रहती है तो वहाँ पर शेड की हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे वेंटिलेशन फैंस भी होने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे काउ कूलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि पानी की अवेलेबिलिटी 24 घंटे होनी चाहिए। काउस को दिन रात कभी भी प्यास लग सकती है और वो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं वाटर ट्रफ या वाटर बॉल होनी चाहिए, जहाँ पे वो जाके पानी पी सके। और वो पानी की क्वालिटी भी जो है वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा पानी जैसे हम एज ह्यूमंस पानी पीते हैं। उसके अलावा वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए साइड पे फैंस के साथ साथ कभी कभी हमें जो ग्रीन नेटिंग हम करते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हमारे शेड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि ज़्यादा देर तक शेड के अंदर धूप आती है तो ग्रीन नेटिंग की जा सकती है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फार्म मैनेजमेंट के हिसाब से, वो है हमें काउ मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर हमारे फार्म पर ऑटोमेशन है लाइक एक्टिविटी सिस्टम, फिर तो हमें सॉफ्टवेयर में ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी काउस एकदम से लेज़ी हो रही हैं, सुस्त हो रही हैं, उनको इमीडिएटली चेक किया जाए। और अगर वो सिस्टम नहीं भी लगा हुआ तो फिज़िकली हमें काउस को चेक करना चाहिए। काउस का हमें ध्यान देना होगा, पानी का इंटेक तो नहीं कम हो गया, फीड का इंटेक तो नहीं कम हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी डिटेल में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम वापस बात करते हैं शुरू अपनी हाउसिंग से लेके। देखिए, काऊ की हाउसिंग या बान एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो 20 से 22 घंटे हर रोज़ बिताती है। वो मिल्किंग के लिए 1-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए उस शेड से बाहर पार्लर एरिया में आती है, या कभी कभी हम उसको जो ओपन हाउसिंग होती है जहाँ पर उनको थोड़ी देर के लिए ओपन में छोड़ते हैं, ओपन पैडॉक में छोड़ते हैं, वो भी बहुत कम समय होता है। तो मोस्टली वो 20 से 22 घंटे अपने बान में रहती हैं। तो ये वो जगह है जहाँ उनको मैक्सिमम आराम चाहिए, उनकी बेडिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे कोई शार्प एजेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे हॉट वेव से बचने के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फीडिंग लेन ऐसी होनी चाहिए कि जब गायें फीड खा रही हैं तो उनको एम्पल स्पेस मिले। वो स्पेस कम होने की वजह से उनका आपस में झगड़ा ना हो या कॉम्पिटिशन ना हो, तो ये भी हमें शेड को डिज़ाइन करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। या हमें अपने नंबर ऑफ काउस इस हिसाब से मेंटेन करने चाहिए, जितनी हमारी लेंथ काउस की फीड लेन अकोमोडेट कर सकती है उतनी ही काउस हमें शेड में रखनी चाहिए। उसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि वो जो काउ बांध है, एक बार जब बन जाते हैं और उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, फिर उसके अंदर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी मुश्किल होती है। तो इसलिए वो बनाने से पहले पूरी प्लानिंग हमें कर लेनी चाहिए। दूसरी बात मैंने कही थी पानी की अवेलेबिलिटी। देखिए, जो गाय दूध बनाती है ना, वो एक तरह से पानी को ही दूध में कन्वर्ट करती है। दूध में 75-85% वाटर होता है और ये ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। और वो पानी उसको बिल्कुल वैसी क्वालिटी का मिलना चाहिए जैसा हम एक एज ह्यूमन पानी पीते हैं। और गाय को जब पानी चाहिए उसके पास वो अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर गाय वहाँ पानी पीने गई और उसको पानी नहीं मिला तो फिर वो कई घंटे तक दोबारा नहीं जाएगी और वो स्ट्रेस में आ जाएगी। और पानी उसको गर्मी से भी बचाता है, गर्मियों के मौसम में वैसे ही उसके पानी का इंटेक बढ़ जाता है। तो हमें पानी की सप्लाई, पानी की क्वालिटी, पानी का टेम्परेचर ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म पानी उसको मिले फिर भी वो पानी नहीं पिएगी।
नेक्स्ट आता है कि जो वेंटिलेशन या काउ कूलिंग सिस्टम हमारे शेड में होना ही चाहिए, क्योंकि जब गर्मियों का मौसम आता है, हॉट वेव्स चलती हैं, तो हमें काउ के ऊपर डायरेक्टली स्प्रिंकलर से पानी डालना होता है ताकि वो जो हॉट वेव्स का असर है वो कम हो जाए, उसका रेक्टल टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाए। और स्प्रिंकलर्स जैसे मान लीजिए 10 से 30 सेकंड के लिए हम चलाते हैं हर 5 मिनट में, और उसके ऊपर फैंस जो हैं वो हाई स्पीड एयर उसके ऊपर जब फेंकते हैं तो काउ एकदम से कूल हो जाती है। एक बार काउ जब कूल हो जाती है तो 2-2.5 घंटे फिर वो आराम से रह सकती है, फिर दोबारा हीट स्ट्रेस उसको नहीं आता। और ये हर 2-2.5 घंटे के बाद काउ फिर अपने आप को कूल करने के लिए वहाँ पहुँचती है। तो वो अगर ऑटोमेशन वाला सिस्टम लग जाए तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर ऑटोमेशन नहीं भी है तो मैनुअली इसका अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, इस ऐसे मौसम में जब मतलब बहुत तेज़ गर्मी है, हमें मालूम है कि काउज़ के ऊपर कई तरह का स्ट्रेस है, थोड़ी सी हमें फार्म मैनेजमेंट में भी चेंजेस लानी होती हैं। उसमें पहली चीज़ है कि जो हमारा मिल्किंग का जो टाइम है और फीडिंग का जो टाइम है ये थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। ये हमें इस हिसाब से रखना चाहिए कि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में मिल्किंग कर ली जाए और मिल्किंग के बाद तुरंत उनको फीड दे दी जाए। ऐसे ही शाम की जो मिल्किंग है वो थोड़ी लेट कर ली जाए, सो दैट जब मिल्किंग का टाइम हो या फीडिंग का टाइम हो तो टेम्परेचर नेचुरली थोड़ा डाउन हो। इसके पीछे कारण ये है कि मिल्किंग के लिए काउस को जब हम पार्लर में लेके जाते हैं तो वहाँ थोड़े वो क्राउडी होती हैं, वहाँ पर जो होल्डिंग एरिया होता है वहाँ पर काउस एक दूसरे के साथ एकदम सट के खड़ी होती हैं, तो उनको हीट स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर ऑलरेडी धूप होगी या बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेचुरल टेम्परेचर अगर कम होगा तो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी कम रहेगी। मिल्किंग के बाद जब काऊ वापस आती है और फीड खाना शुरू करती है, फीड खाते खाते भी उसके बॉडी में से बहुत सारी हीट वेव्स निकलती हैं, तो वो भी अगर उस समय बाहर का टेम्परेचर नेचुरली थोड़ा कम होगा तो काऊ के ऊपर हीट स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा। तो ये एक स्मार्ट मूव है जिससे हम बिना कोई खर्चा किए काऊ का हीट स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर मैंने बात की थी कि काऊ का बिहेवियर मॉनिटर करना चाहिए। देखिए, काउस जो हैं वो अपने शेड में 20-22 घंटे जब रहती हैं और उनको एक जैसे उनकी मतलब हर रोज़ उनकी जो एक्टिविटी है वो लगभग एक जैसी ही होती है। एक काऊ का जो पूरे दिन का पैटर्न है वो लगभग हर रोज़ वैसे ही फॉलो करती है। तो अगर हमें ये दिखे कि आज कोई पर्टिकुलर काऊ अपने नॉर्मल बिहेवियर से सुस्त लग रही है, या वो एक जगह मतलब खड़ी है, बैठ ही नहीं रही है, या अगर बैठ गई है और उठ ही नहीं रही है, तो हमें उस काऊ को इमीडिएटली चेक कर लेना चाहिए। ये कुछ साइंस होते हैं कि काऊ स्ट्रेस में आ गई है और उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जहाँ पर ऑटोमेशन लगी होती है, एक्टिविटी सिस्टम लगा होता है, वहाँ तो हर कुछ मिनट के बाद सॉफ्टवेयर में ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन कौन सी काउस को हमें चेक कर लेना चाहिए, और जहाँ ये सिस्टम नहीं लगा हुआ वहाँ फिज़िकली अपनी आँखों से हमें ये देखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए काउस का हीट स्ट्रेस कम करने के लिए। अब थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि काउ कूलिंग सिस्टम क्यों होना चाहिए। देखिए, काउ कूलिंग सिस्टम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हीट स्ट्रेस होता है उस टाइम पे काउस का एक तो उनका स्किन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके अलावा उनका रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, वो हफने लगती हैं, मुंह खोल के सांस लेने लगती हैं, अल्टीमेटली उनके अंदर एनर्जी बहुत कम हो जाती है और वो किसी भी तरह से और एफर्ट लगा के उठ के चारा खाना या उठ के पानी पीने जाना उसको अवॉइड करना शुरू कर देती है, जिससे और नेगेटिव एनर्जी उनमें आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उनको इमीडिएटली एक कंफर्ट देने के लिए ये काउ कूलिंग सिस्टम ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही काउ कूलिंग सिस्टम हम ऑन करते हैं, स्प्रिंकलर से उनके ऊपर पानी पड़ता है और फैन से तेज़ हवा आती है, ये ठीक वैसा ही इम्पेक्ट है जैसे मान लीजिए आप शॉवर से नहाकर आए और आपने अपने रूम का पंखा ऑन कर दिया तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि ठंडा मौसम हो गया। वैसे ही काऊ को सेम वही इफ़ेक्ट आता है, इससे काऊ की एनर्जी वापस आ जाती है। और ये सिस्टम लगाया जाता है जहाँ गाय खड़ी होकर फीड खाती है, तो वो उसको एनकरेज भी करती है कि यहाँ पर आके उसको ठंडक भी मिलेगी और वो फीड भी खा लेती है, तो उससे उसका हेल्थ, उसका मिल्क प्रोडक्शन, उसका हीट स्ट्रेस का कंट्रोल में रहना, ये लगभग सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। और जब काऊ हीट स्ट्रेस में रहे ज़्यादा देर, उसमें फर्टिलिटी के इशू भी आते हैं, वो उसका कंसेप्शन रेट
कम हो जाता है तो कंसीव नहीं कर सकती। तो ब्रीडिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमें काउ कूलिंग सिस्टम जो है वो लगा लेना चाहिए। अब आगे बात आती है कि काउ कूलिंग सिस्टम कई तरह के, ग्लोबली जो प्रेफर किया जाता है वो है कि काउ को डायरेक्टली कूल करना चाहिए, ना कि एनवायरनमेंट को कूल करना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें काउ के ऊपर डायरेक्ट शॉवर या मिस्टर या फिर स्प्रिंकलर से पानी डालना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बूंदें थोड़ी मोटी हों ताकि काउ भीग जाए, बजाय इसके कि हम एयर में बारीक मिस्ट छोड़ें। उसका वो इम्पैक्ट नहीं है, उल्टा वो और ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। लेकिन जब काऊ के ऊपर डायरेक्ट पानी डाला जाता है, काऊ भीग जाती है और फिर पंखे की हवा आती है, उससे जल्दी इफेक्ट आता है, और वो ग्लोबली यही माना जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम। तो लास्ट में कंक्लूजन जो है वो ये है कि हीट स्ट्रेस से बचने के लिए या इसका असर कम करने के लिए कुछ 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो हमें अभी से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जितनी भी हाई प्रोड्यूसिंग काउज हैं उनको हीट स्ट्रेस और ज़्यादा आता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय।